नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइंस टेक लर्न टुडे फॉर टुमारो में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ YouTube थंबनेल के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, तो थंबनेल के बारे में आप जानते होंगे। थंबनेल जो है, थंबनेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे वीडियोज़ के व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, वो सबसे पहले हमारे थंबनेल को ही देखते हैं। सो अगर मान लीजिए कोई व्यूअर्स अगर कोई वीडियो सर्च करता है YouTube पे, जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं, अगर उसका कंटेंट उसके सर्च जो क्वेरी है, सर्च क्वेरी है, अगर उसे मैच करता है, तो आपका वीडियो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेकिन वीडियो वहाँ पे एक वीडियो नहीं आएगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो आएंगे। तो आपका थंबनेल एक इतना अच्छा और इतना क्लियर होना चाहिए कि जो भी व्यूअर्स देखना चाहता है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वीडियो से, वो थंबनेल में पूरी तरह से लिखा होना चाहिए, पूरी तरह से एकदम विजुअल क्लियरली होना चाहिए, ताकि उसको देखते ही लगे कि हाँ, ये वीडियो उसके काम की है। तो थंबनेल को देख के ही वो आपके वीडियो को ओपन करेगा और उससे उसको देखेगा वो। तो थंबनेल का एक दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि वीडियो अपलोड करने के टाइम पे करने के बाद जो है, आप तो उसमें थंबनेल को कैसे ऐड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपना जो है YouTube स्टूडियो ओपन कर लेना है। ये देख सकते हैं, इसको आप ओपन करेंगे। सो आपके पास जो है YouTube का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि डैशबोर्ड ये भी ओपन हुआ है। यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो है जितने भी वीडियोज़ आपने बनाए हुए हैं अपने चैनल पर, वो सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जो पब्लिश्ड हैं, जो पब्लिश नहीं है, वो सब यहाँ पर दिखेगा। अभी जैसे मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैंने जो है पब्लिश नहीं किया हुआ, वो अनलिस्टेड है। सो मैं चाहता हूँ कि इसको पब्लिश करने से पहले मैं इसमें जो है एक थंबनेल लगा दूँ। तो थंबनेल को आप कैसे लगाएंगे? तो थंबनेल मैंने बना के रेडी रखा हुआ है, आपको सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पे एडिट एडिट का ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आपको इस पर आपको फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट आपको ऑलरेडी मिलेंगे, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं अपने वीडियो के हिसाब से। जैसे कि देख सकते हैं ये है, ये है, लेकिन नहीं, मुझे मैंने अपना एक थंबनेल बनाया हुआ है। थंबनेल कैसे बनाते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप चाहे तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एक यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाएं। मैंने जो थंबनेल बनाया है उसको मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कस्टम थंबनेल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, जहाँ पे अपना जो है आपने थंबनेल बना के सेव किया हुआ है उसको JPG या PNG फॉर्मेट में। अभी मेरा देख लीजिए कि ये जो है मैंने कैनवास यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो इसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो थंबनेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको सेव कर देना है, और सेव पे क्लिक करते ही ये थंबनेल आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो है थंबनेल हमारे वीडियो में ऐड हो गया है, पहले कैसा था अभी कैसा दिख रहा है। तो कोई भी व्यूअर अगर वो वीडियो हमारी वीडियो उसके सामने आएगी, तो पहले वो पढ़ लेगा कि किस चीज़ के बारे में वीडियो है, तभी वो वीडियो को ओपन करेगा। आई होप कि वीडियो में थंबनेल को कैसे ऐड करते हैं आप समझ गए होंगे, और आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।